योगी जी आपको और आपकी पूरी प्रथा को हैप्पी बर्थडे, उनके जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन हिज बर्थडे। जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आम जनता उनके साथ है। मैं पिछले 12 साल से नोएडा में उत्तर प्रदेश में हूँ और मैंने मायावती की सरकार देखी, मैंने अखिलेश यादव की सरकार देखी, पर जो चेंज मैंने योगी जी की सरकार में देखा वो मेरे को लगता है कि हर एक कॉमन आदमी के लाइफ को इम्पैक्ट करेगा और कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक कॉमन मैन के लिए है वो है उसका लॉ एंड सिक्योरिटी, जो कि हमको लगता है कि वी फील मोर सिक्योर विथ अंडर द गवर्नेंस ऑफ मिस्टर योगी। उनके गवर्नेंस में हमें बहुत ही सिक्योरिटी फील हो रही है और हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पे पुलिस है और पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ई गवर्नेंस का स्टेप उन्होंने जो लिया है, जो कि मोदी जी का भी एक सपना है, उस सपने को वो साकार कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में थोड़ा समय लगेगा, बट उनको मेरे उनका ये उद्देश्य है कि उनको ई गवर्नेंस में काम करना है। मेरे ख्याल से वो और थोड़ा जल्दी करना चाहिए ताकि एक कॉमन मैन की लाइफ थोड़ी ईजी हो सके। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता हूँ और मैं यूपी के सीएम के बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उनके कार्यकाल से मैं खुश हूँ, वो आगे ऐसे ही कार्यकाल करते रहे, ये मेरी इच्छा है। आई डू थिंक मुझे यही मतलब लगा है कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार आई हुई है, जैसे ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक पुलिस दिखते हैं, पहले नहीं दिखते थे, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मैं यूपी से बिलोंग नहीं करता, मैं दिल्ली से आता हूँ रोज़। तो यहाँ पर चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी रहती हैं, आधे ज़्यादा रोड घेरे रहते हैं। कभी कभार जिनका भी मतलब ध्यान जाता है तो कभी कभार इनको भी देख कर कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर लोग शेयर करें तो इनको भी दूर करें तो कम से कम यहाँ पर 2000 लोग काम करते हैं, 2000 लोगों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के आने पर यहाँ पर भी बदलाव हुए हैं। क्योंकि बदलाव अगर पेपर में देखे जाते हैं तो उससे हमें नहीं समझ में आता, अगर हमारे आसपास बदलाव होते हैं उससे हमें पता चलता है कि हाँ, बदलाव हो रहा है। अगर ईमानदारी से ऐसे ही चलते रहें तो बहुत अच्छा विकास होगा। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत ये है मोहन योगी जी कि यहाँ लोकल दुकान वाले हैं, इनको पुलिस वाले हर हफ्ते 10 दिन में तोड़वा देते हैं, इसको थोड़ा टैकल कीजिए। ये लोग वो लोग हैं जो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के कमा रहे हैं और इससे क्या है कि यहाँ पे जो भी कंपनी चल रही है तो कोलेटरल कमाई का भी एक जरिया है। क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम में अपनी योगी जी सरकार से? हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो आने वाले समय में जो आज तक अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम करते हुए आएंगे, और उनका लोगों के प्रति जो जागरूकता और छवि बनी हुई है लोगों के प्रति कि आज तक वो जो इतने अच्छे कर्म, अभी 2 महीने की सरकार में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं और आगे हम तो उनसे 5 साल से जुड़े हुए हैं हिंदू वाहिनी से, वो हिंदुत्व के लिए और हिंदू के लिए और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, वो सभी के लिए अच्छे काम करते आए हैं और आगे करते ही रहेंगे। कट्टरपंथ और झगड़े के नाम में आता है और मीडिया चैनल्स में जैसे हम लोग देखते हैं, ये अच्छे काम के लिए हिंदू युवा वाहिनी इतना अच्छा काम कर रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कट्टरपंथी और जो झगड़े वाली बात है ये तो कहने वाली बातें हैं, दुनिया कहती रही, हमारा काम ऐसा है नहीं, ना हम किसी से झगड़ा करते हैं ना किसी से हम करते हैं, आप देख रहे हो हम सेवा कर रहे हैं, हमारा काम है सेवा करना लोगों के लिए। हिंदू युवा वाहिनी का मतलब है योगी जी हमारे महंत हैं, योगी हैं, ये नहीं कहते झगड़ा करो कुछ करो, वो उन्होंने हमें ना शिक्षा दी है ना हम कभी करते हैं झगड़ा, हम तो हिंदुत्व के जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए हम हमेशा तत्पर खड़े होते हैं, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम विनती करते हैं, हम कभी झगड़ा करके ये काम नहीं करते कभी जीवन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के उपलक्ष में यहाँ इंदिरापुरम में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मीठे पानी की छवि लगा रखी है और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार्यकर्ता यहाँ पे एकाग्र होके एक नेक काम के लिए पहली बार जो मीडिया में सामने दिखते हुए मिले हैं। अमूमन ये माना जाता है कि हिंदू युवा वाहिनी और कारणों की वजह से लाइमलाइट पे रहती है, लेकिन पहली बार एक अच्छे काम के लिए हिंदू युवा वाहिनी का ये अच्छा चेहरा यहाँ पे लोगों को दिखाई दिया है। हम आशा करते हैं कि आगे भी हिंदू युवा वाहिनी का ये समाज के प्रति ये चेहरा हमेशा आगे भी दिखाई देगा। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ अमन शर्मा, इंदिरापुरम, गाजियाबाद।